एलडीसी से भर्ती जिसके लिए सरकार अपने वादे से मुकर रही है, मैं भूला नहीं हूँ। मैं पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को कह देता हूँ, मैं अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा, क्योंकि हालांकि विभाग और अधिकारी बार बार हमें आश्वासन दे रहे हैं ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको भूला नहीं हूँ। जब तक वो भर्ती नहीं हो जाती, मैं कांग्रेस का और पूरी सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं, ये मेरा वादा है। इसके अलावा साथियों, रीट लेवल वन के चिलावट के लिए लोग मैसेज कर रहे भैया, कल उपेन यादव सर ने जो भर्ती को लेकर कहा है, हम भर्ती तो पूरी करवा के रहेंगे, सरकार का ये जो रुक नजर आ रहा है एलडीसी भर्ती 2013 का, जो बहाने बना रही है सरकार लगातार, ये बहाने नहीं चलेंगे। और एलडीसी भर्ती 2013 पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 दोस्तों, इसको पूरा करवाना हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है, और इस भर्ती को पूरा करवा के ही अंतिम सांस लेंगे, क्योंकि जो इतने समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, सरकार कब से अभ्यर्थी को, आज 9 साल हो चुकी है, 10 साल होने वाली है, अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको ये खुशखबरी मिलनी चाहिए। और पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश है, बल्कि सभी टीम के अभ्यर्थियों व अधिकारियों से यही अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी एलडीसी भर्ती 2013 को सरकार पूरी करें, और 10,029 परिवार के जो युवा इस अभ्यर्थी का इंतजार करें, आज देख रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी खुशखबरी मिले। दोस्तों, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 से रिलेटिव अगर कोई भी नई अपडेट आएगी तो हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करा देंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।